चैनल तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है वो मैं मेकअप वीडियो शूट कर रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो साड़ी पहना, मुझे नहीं आता। पहले तो मेरा पूरा मतलब साड़ी पहनने का जो स्ट्रगल था वो पूरा फेल हो गया। तो मैंने अपनी रुमाना आंटी को बुलाया, तो मैंने उन्हें बोला कि आप साड़ी पहना दो। तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे साड़ी पहना दी कि मुझे नहीं आती पहनने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी, तो मैंने 21 को लगी थी, तो मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल से जो है बहुत सारी सामान मंगाए थे शॉपिंग के। एप्रोक्स मेकअप प्रोडक्ट मैंने 2000 के मंगवाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। ये रहा बॉक्स गाइस, ये बहुत बड़ी बॉक्स में आया था, बहुत सारा सामान है। जो विंटर के भी कुछ कुछ प्रोडक्ट होते थे मैंने वो भी मंगवाए थे, क्योंकि इतना अच्छा सेल चल रहा था, तो क्यों ना उस ग्रैब को मतलब कि क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2000 के अप्रॉक्स मैंने 2000 का सामान मंगाया था। तो सबसे पहला प्रोडक्ट गाइस जो मेरे खजाने से निकला है, तो वो है आपको लैक्मे एब्सोल्यूट का पोर फिक्स टोनर। ये आपको जितने भी स्किन पे इम्प्योरिटीज होते हैं उसको भी रिमूव करता है, और आपका स्किन जो होता है एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक देता है। तो इस जो आपकी पोर्स होते हैं ना, जो ओपन पोर्स होते हैं उसको भी टाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद था। मैं पहले भी ली थी, मेरे खत्म हो चुका था, मैंने ये मंगाया। तो इसका एक यूज़ और भी है गाइस कि आप जो है इसे आपको मेकअप फिक्सर के तौर पर मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो चल नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहली बात ये है कि इसका जो पैकेजिंग है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है नायका का, पहले से नहीं था मतलब, लेकिन वो एक दो सालों से मुझे लग रहा ऐसा है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आपको लैक्मे का लिप लक। तो ये आपको मार्केट में 150 का ही पड़ेगा, लेकिन अभी ऑफर लगा था तो ऑफर में मुझे ये 99 का पड़ा। और इसका सेट है लिप आपको, कौन सा सेट है इसका, एप्रिकॉट। तो ये एप्रिकॉट का मैंने मंगाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लिप को मॉइस्चराइज करता है। एंड आपको अगर लिपस्टिक डेली वेयर में नहीं यूज़ करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, क्योंकि आपको लिप मॉइस्चराइज भी करता है, आपको लिप के फटने से भी रोकता है, और आपको थोड़ा सा टिंट वाला लुक जो होता है वो भी देता है। तो ये थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक का भी काम करता है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मैंने मंगवाया ये लैक्मे का आईलाइनर, ये भी सस्ते में दिया मुझे, ये 169 का आया मुझे, जिस क्वाइट गुड। ये 260 का है, तो आपको कितना भी ऑफर होता है नायका पे डिस्काउंट होता है, तो 200 से ज़्यादा का ही देता है, कभी भी 200 से कम नहीं करता। बट ये अभी पिंक फ्राइडे से चल रहा था, तो मुझे 169 का पड़ा। एंड मैं आपको यहाँ डेमो देख के दिखा, खुल जा सिम सिम। तो ये देखिए, ये जो आपको एप्लीकेटर यहाँ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सही है, एंड ये बहुत जल्दी सूख जाता है। एंड इसके बाद आपको ये वाटर प्रूफ भी है, एंड ये चलता है आपको अप्रॉक्स 24 आवर्स तक के लिए चलता है, तो विच इज़ क्वाइट गुड एंड वेरी अफोर्डेबल। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अजीब सी लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, तो बस मुझे मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए वीडियो शूट करने के लिए बैठी थी। नेक्स्ट है गाइस, ये आपको लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मूस एंड द सेट इज इवोल। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट अगर कॉस्टली है तो ये ट्रस्ट वर्दी भी है, मतलब उस कॉस्ट के लायक भी है। सबसे अच्छी ज़्यादा तो मुझे इसकी पैकेजिंग लगती है एकदम बॉल से। एंड इसका कॉस्ट तो ऐसे में आपको 850 है, एंड नायका में वैसे अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो 700-600 तक में आ जाता है, लेकिन अभी आपको पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था, उसमें मुझे ये 495 का पड़ा। एंड ये देखो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा जब आप इसे ओपन करोगे। एंड ऐसा देख सकते हो, फाउंडेशन कम ही होता है, लेकिन इसे उतनी ज़्यादा लेने की क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती है। आप देखो मैं बस थोड़ा सा ये नहीं, आप देख सकते हो उतना ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, कि बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि 500 फिर भी महंगा लगता है, इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ, ये देखो मैं पूरा लगाई भी, यूज़ भी नहीं की हूँ। एंड ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छी इजीली वे में आपको ब्लेंड हो जाता है। एंड आप अगर थोड़ा सा हाई रेंज में जाना चाहते हो, तो ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बेस्ट ऑप्शन। एंड गाइस वन मोर थिंग, बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ है नहीं, ऐसे ही मेरे दीवार पे भी देख लो कैसा हो रखा है, बस ऐसे ही। मैंने जस्ट इसे यहाँ अप्लाई किया था आईलाइनर को, एंड ये मैं आपको रब करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, वाटर प्रूफ है एंड 24 आवर तक चलता है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे खजाने से निकला है ये आपको वैसलीन का मॉइस्चराइजर इंटेंस केयर कॉलमिंग लेवेंडर।
तो मुझे लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये बॉडी लोशन भी जो है वो मॉइस्चराइजर ये भी आपको लेवेंडर का ही मंगा लिया। तो ये मुझे पड़ा 300 का, वैसे इसका कॉस्ट है 449, मतलब 450 रुपया। तो अगेन ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी तरीके से स्किन को जो है आपको मॉइस्चराइज करता है। लेकिन आपको पता है कि अभी ठंड का टाइम आ गया है तो कितना ज़्यादा स्किन फटता है, मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा फटती है, तो मैं सीधे को लगा के दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो कि मॉइस्चराइजर जो है वो सॉफ्ट होता है, फिर भी ये मेरा लाइनर जो है वो नहीं रिमूव हो रहा है, दैट्स द प्रूफ। एंड ये मॉइस्चराइजर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करता है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है वैसलीन का, तो आपको भी मैं ये रिकमेंड जरूर करूँगी। अगेन गाइस, सबसे बड़ी बात ये कि इसका स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो है वो है आपको लैक्मी का सन एक्सपर्ट डीजन स्क्रब। मेरा स्क्रब खत्म हो गया था मामा अर्थ का, तो मुझे अभी बड़ा वाला नहीं मंगाना था, तो मैं सोची कि क्यों ना एक बार इस स्क्रब को जो ट्राई किया जाए, तो मैं ये ट्राई करने के लिए मंगाई हूँ। एंड इसका रिजल्ट कैसा आता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये कॉस्ट आपको 155 का है, लेकिन ये मुझे 110 के अंदर का ही पड़ा है। अगेन ये कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सही है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कोई मेकअप नहीं करना चाहते हो तो अभी आप जैसे कि आप जा रहे हो बाहर, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको फेस को जो है एकदम प्रेजेंटेबल लुक देना है, तो आप इस कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हो। इसका कॉस्ट जो है आपको 875 का है, लेकिन ये मुझे पड़ा है आपको आई थिंक 500 के अंदर का ही पड़ा है, लेकिन डिस्काउंट में आया क्योंकि पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे इसका ये लग्जरी लुक लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लगता है। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे राजा महाराजा वाला एकदम जो जेवर वाला होता है ना, जो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह होती है वो इस तरीके के पैकेजिंग में आती है, तो मुझे वैसा ही लुक दे रहा है। तो इसका इस तरीके का सेम कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो। इसमें जो है दो टाइप से है कि एक तो आपको यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट का ये पाउडर मिलेगा, मिरर के साथ आता है, और दूसरा यहाँ पे आपको एप्लीकेटर मिलेगा, तो स्क्वायर फुट की दोनों सेपरेट है। ऐसा होता है कि दोनों किसी किस्म की दोनों सेपरेट नहीं होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका एक चीज़ मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों सेपरेट है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसका डेमो देकर दिखाती हूँ कैसा है। एकदम थोड़ा सा मैंने लिया, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ही लेके अप्लाई किया मैंने, ये देखो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा इफेक्ट है, तो इसलिए मैं ये इसे परचेज करती हूँ। तो इसलिए मैं वही परचेज करती हूँ, दिखाती हूँ जो अच्छा होता है, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को देख के परचेज कर सकें। नेक्स्ट जो है गाइस, ये है आपको पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल नॉन स्टेकी फेस जेल मॉइस्चराइजर। ये हेलोरोनिक एसिड एंड विटामिन ई के साथ आता है, तो ये फेस पे लगाने के लिए। तो मेरे पास मॉइस्चराइजर फेस मॉइस्चराइजर खत्म हो चुकी थी, तो मैंने इसे मंगाया, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी मुझे इसे रेकमेंड किया था कि तुम इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जेल के फॉर्म में आता है, वैसे यूज़ भी कर चुकी मेकअप लोगों को क्रिएट करने के लिए एक दो प्रोडक्ट का, तो मैंने इसे ओपन किया, तो आप देख सकते हो एकदम जेल के फॉर्म में है, नॉन स्टिकी होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ठंड में आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो स्टिकीनेस आ जाती है स्किन पे, लेकिन इसे लगाने से कोई भी स्टिकीनेस नहीं आती है, इसलिए भी मैं ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट टाइम ये मुझे फ्री आया था आपको वैसलीन का डेली ब्राइट एंड कार्मिंग सीरम बॉडी सीरम, तो मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, तो चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। फ्री का मुझे लगा था थोड़ा बड़ा वाला आएगा, तो मैंने इस कारण से ही जो है इसे इतने सारे सामान ऑर्डर किए थे, तो इसे स्किन पे बॉडी पे लगाने के लिए तो मैं लगा। स्मेल की बात करें तो स्मेल काफ़ी अच्छा है, तो इफेक्ट जो है इसका तो बाद में ही देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें आप इसे खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो ये छोटा वाला पैक इसका कॉस्ट नहीं लिखा है, बड़ा वाला का कितना कॉस्ट होता है जो वो मैं आपको स्क्रीन पे मैंशन कर दूँगी। इसका मैंने एड बहुत ज़्यादा देखा था, मतलब कि अभी रिसेंटली आप कोई भी यूट्यूब की चीज़ देखोगे तो ऐड आ जाता है, तो मैंने इसका एड काफ़ी ज़्यादा देखा था, मैं सोची कि चलो खरीदते हैं, लेकिन मेरा हो गया ये पोपट, क्योंकि मुझे लगा ये बड़ा वाला आएगा, लेकिन बड़ा वाला नहीं, ये छुटकू सा दिया। अगेन जो मुझे फ्री प्रोडक्ट मिला है गाइस, वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का स्पॉट लाइट स्मूथ एंड ग्लैम आई शैडो पैलेट। ये भी फ्री आया है मुझे, दैट्स ग्रेट कि बहुत ज़्यादा फ्री का सामान आ गया। वैसे इसका कॉस्ट जो है 995 रुपीज़ है, मतलब 1000 रुपीज़ की अप्रॉक्स, तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बहुत छोटू सा है, लेकिन इसकी सेट की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेट है। मेरे पास तो ये सारे सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन लैक्मे है भाई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लैक्मे का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये देख सकते हो इसके पैलेट में बहुत ज़्यादा सेट्स अवेलेबल हैं। आपको टोटली अप्रॉक्स जो है यहाँ पे 12 सेट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो स्मोकी आइज का, तो उसमें भी अवेलेबल है आपको ब्लैक स्मोकी आइज, ब्राउन स्मोकी आइज, आपको एकदम सिंपली सा इफेक्ट आपको अपने आई शैडो पे देना है, जैसे कि थोड़ा पिंकिश था वो भी अवेलेबल है, गोल्डन ग्लिटर भी है, सब कुछ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सेट है, तो ये देखो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंड करते हैं,
ये ब्लेंड भी जो है वो बहुत आसानी तरीके से हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है आईशैडो की, अगर आपका आईशैडो अच्छे तरीके से ब्लेंड आइज पे नहीं होता तो आपको जो लुक होता है वो अच्छा नहीं आता है। और अगर मेकअप की बात करें तो आइज का मेकअप अगर अच्छे से होता है तो आपको ओवरऑल फेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा, इसलिए अगर आईशैडो आप कभी भी लगाते हो तो उसे ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। थोड़ा सा आईशैडो लो, उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करो तो वो आपके आइज पे बहुत ही अच्छा रहता है। सो आज तो ये था मेरा आज का हॉल, होप्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मेरी वीडियोस को शेयर भी करना एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ मैं कोशिश करूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। काफ़ी दिनों से मैं कोई हॉल वीडियो नहीं लाई थी, मेरे पास और भी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मतलब क्लॉथिंग का भी, तो वो मैं जो है वो मैं एक एक करके आपको सारे जो अनबॉक्सिंग हॉल है वो मैं लाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चाहे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आए या नहीं आए, वीडियोस पे लाइक जाए या ना जाए, मैं अपना कुछ करके रहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो तो मैं भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।